हेलो एवरीवन वेलकम टू टेक्नोलो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलो पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक की वीडियो में हमने एम uh, के बारे में डिस्कशन किया था uh, आपके जो एम थे वो हमारे एम ऑफिस के थे और आज हमारा यहाँ पर लाइव टेस्ट होने वाला है उन्हीं एम का जो पहले की क्लासेस में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो सारे के सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड आपका है आज यहाँ पर टेस्ट होने वाला है टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से इंक्लूडेड है वो टॉपिक हैं आपके एम एस वर्ड है एक्सल है एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस इन सारी चारों चीज़ों से क्या है कि हमारे यहाँ पर जो भी एम सी क्यूज़ हैं वो यहाँ पर कंडक्ट होने जा रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट के लिए हमारे कुछ कंडीशनस हैं जैसे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन दिखेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ ट्वेंटी सेकेंड ओनली ट्वेंटी सेकेंड्स तो यहाँ पर जब आपको ट्वेंटी सेकेंड्स के अंदर ही क्या करना है कि लाइव चैट बॉक्स के अंदर अपने जो भी आंसर्स हैं उनको कमेंट करना है जितने भी लोग यहाँ पर देखें वो सारे के सारे यहाँ पर लाइव चैट के अंदर क्या करेंगे अपने आंसर्स को कमेंट करेंगे आई होप जो भी टेस्ट की कंडीशन हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी आप सभी मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी लोग अगर इतने इसी तरह के एम सी क्यूज़ को यहाँ पर देखना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं कुछ अदर चीज़ों को या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब ताकि जो भी मेरी न्यू यहाँ पर वीडियो अपलोड हो वो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाए और आपको सर्च करने की भी कोई ज़रूरत ना पड़े तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं चाहे आप आई के स्टूडेंट हो या फिर आप सी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सी के ही क्यों ना इस्टूडेंट हो इनफैक्ट और भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो आज के टेस्ट में आपको खुद को यहाँ पर टेस्ट करना है मीन्स टेस्ट योर सेल्फ कि आपको यहाँ पर कितना आता है कितना आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए पास की बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो मिल सके आपको सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपके लिए यहाँ पर बीस सेकेंड का टाइम होगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विश शॉर्टकट की इज़ यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट चलिए टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर ट्वेंटी सेकेंड्स का आपके पास टाइम है जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि ट्वेंटी सेकेंड्स के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पर अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत ईजी हैं यहाँ पर फटाफट से सभी लोग आंसर कर दीजिए चलिए टाइम अप हो चुका है यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो आएगा आपका कंट्रोल प्लस ए ध्यान दीजिएगा कंट्रोल प्लस ए देखिए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग चलिए सेकंड क्वेश्चन विच एरिया इन एम एस वर्ड इज़ यूज टू द एंटर द टेक्स्ट देखिए सिंपली पूछा है कि एम एस वर्ड में हम कहाँ पर अपने टेक्स्ट को एंटर करते हैं टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है फटाफट फट से आंसर करिए सभी लोग यहाँ पर कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बीस सेकेंड का टाइम है आपके पास ओनली ट्वेंटी सेकेंड्स इन ट्वेंटी सेकेंड्स में आप इजीली क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं ऑप्शंस को देख सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स को यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं चलिए टाइम अप हो चुका है आपका और मैं आपको बता दूँ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वर्क स्पेस ध्यान दीजिएगा वर्क स्पेस क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है फटाफट से पढ़िए ट्वेंटी सेकेंड का आपके पास टाइम है फटाफट से कमेंट करिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को बहुत इजी है यहाँ पर और ये हो गया आपका टाइम अप तो चलिए मैं आपको बता दूँ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा सेव एस ध्यान दीजिएगा सेव एस इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ नॉर्मली पूछा आपसे विश ग्रुप इंक्लूड्स सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है आपको फटाफट फ़ड़ से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को यहाँ पर कमेंट करिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है सभी लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को उसके बाद आंसर अपने कमेंट करिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट फट से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या करें कि ये चीज़ों को पढ़ सकें टाइम अप हो चुका मैं आपको आपका करेक्ट आंसर बता दूँ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा फॉन्ट देखिए फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनकलूड्स होती हैं और फॉन्ट ग्रुप हमारा होम टैप के अंदर एग्जिट करता है ध्यान दीजिएगा होम टैप के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन विश फीचर इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यूज़ पेपर टाइप डॉक्यूमेंट न्यूज़ पेपर टाइप का डॉक्यूमेंट अगर हमें बनाना है तो किस का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है आप डेंजर जोन में जा रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से आंसर दीजिए फटाफट से आंसर दीजिए और क्वेश्चन को यहाँ आप पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं यहाँ पर ट्वेंटी सेकेंड्स के अंदर चलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा कॉलम देखिए कॉलम क्या है कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कॉलम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन फटाफट से आंसर दीजिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर सभी लोग आंसर करिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा देखिए इन क्वेश्चंस के बाद जिसका भी आंसर यहाँ पर सबसे पहले आएगा कमेंट बॉक्स में उसका जो नेम है हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जो भी हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें अनाउंस किया जाएगा कि आपका करेक्ट आंसर सबसे पहले किस पर्सन ने यहाँ पर कमेंट किया था देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार आंसर देना है यहाँ पर जितने फोर्टी क्वेश्चंस को हम कवरअप करने वाले हैं तो उन फोर्टी क्वेश्चनस का जो भी यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा उसका नेम अनाउंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा बी नंबर ध्यान दीजिएगा बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है अगर इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं सेवन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है नाउ देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है विच मेन्यू कंटेन सिंबल ऑप्शन इन एम एस वर्ड फटाफट से आंसर कर दीजिए सभी लोग कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा देखिए फटाफट जल्दी जल्दी आंसर करिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा इंसर्ट इंसर्ट टैब के अंदर मतलब इंसर्ट टैब जो होता है हमारा उसके अंदर क्या होता है हमारा सिंबल का ऑप्शन हमें गिवन रहता है ध्यान दीजिएगा सिंबल ऑप्शन के लिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ़ वर्टिकल स्क्रॉल बार बहुत इजी क्वेश्चन है टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा देखिए ट्वेंटी सेकेंड्स आपके एक क्वेश्चन को रीड करने के लिए उसे समझने के लिए बहुत टाइम है यहाँ पर आप चारों ऑप्शंस को यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस को दो बार पढ़ सकते हैं याँ याँ आप यहाँ पर टाइम अप हो चुका है आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए देखिए वर्टिकल के लिए पूछा था तो अप डाउन की बात करते हैं अगर हॉरिजेंटल के लिए पूछता है तो लेफ्ट से राइट की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ स्क्रीन पर है आपकी चले विच ऑप्शन इज यूज टू एक्टिव एंड डीएक्टिव रूलर ध्यान दीजिए क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर्स जो आपका होगा वो क्या होगा टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या होने वाला है चलिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो टाइम है वो अप हो चुका है आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा सी नंबर देखिए रूलर की बात करते हैं तो हमारा व्यू टैप में हमारा क्या होता है रूलर प्रेजेंट होता है आप वहाँ से चेक बॉक्स को चेक करके अनचेक करके अपने रूलर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट स्क्रीन पर है टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है शॉर्टकट की को इन करना है हमें मतलब ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो हमें थ्रेसर डायलॉग बॉक्स को यहाँ पर एक्टिव करती है बहुत ईजी क्वेश्चन है डिस्कस कर भी चुके हैं हम इन चीज़ों को फटाफट से आंसर दीजिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा चलिए टाइम अप हो चुका है मैं आपको बता दूं कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा ए नंबर स्विफ्ट प्लस एप सेवन आप प्रेस करके भी देख सकते हैं कि हमारा जो थ्रेशर डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है या फिर नहीं होता है क्वेश्चंस आपको ईजिली समझ में आ रहे होंगे क्योंकि ये बेसिक है हमारे क्वेश्चंस हम इन्हें पहले डिस्कस भी कर चुके हैं बस क्या है कि जितना भी हम पढ़ते हैं उसका हमारा क्या होता है कि एक लाइव टेस्ट के थ्रू हमें एक आइडिया मिल सकता है हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना आता है इन चीज़ों को जो हम पढ़ चुके हैं चलो क्वेश्चन नंबर एलेवेंथ स्क्रीन पर है टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका फटा फटाफट से आंसर करिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा वेयर इज़ द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले बहुत ईजी क्वेश्चन सभी लोग ध्यान देंगे सभी साथी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर देखिए टाइम अप हो चुका है आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टाइटल बार जी हाँ टाइटल बार क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ स्क्रीन पर फटाफट से यहाँ पर सभी लोग देखिए कि क्वेश्चन क्या है टाइम स्टार्ट हो चुका आपका व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेसियल टूल इज एमएस वर्ड देखिए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हो कुछ समझ में आ रहा हो यूज़फुल लग रहा हो तो फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन उनके भी लिए यूज़फुल हो सके जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो साथ ही हमारे साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही हमारी जो नए अपडेट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले देखिए ट्वेल्थ का क्या होगा करेक्ट आंसर आपका ए होगा थ्रेशियल टूर का यूज़ हम सिनोनियम्स और एंटोनियम्स वर्ड के लिए करते हैं मीन्स जो हमें किसी चीज़ का क्या है सिनोनियम से एंटोनियम्स को नोन करना होता है तो हम यहाँ पर थ्रेशियल डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं शॉर्टकट की की हम बात कर चुके हैं स्विफ्ट प्लस एप सेवन हमारी क्या होती है उसकी शॉर्टकट की होती है क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्क्रीन पर है टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज NMS एम एस एक्सल टू थाउजेंड टेन देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका ये बहुत ईजी क्वेश्चन वेरी गुड सभी लोग आंसर करिए यहाँ पर फटाफट से आंसर कर दीजिए कि यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर टाइम अप हो चुका है यहाँ पर टाइम अप हो चुका है आपका चलिए करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा डी नंबर यानी कि रो की जो मैक्सिमम uh, लिमिट होती है वो हमारी कितनी होती दस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ छिहत्तर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन स्क्रीन पर और टाइम ये हो चुका आपका स्टार्ट हाउ रोज आर नंबर्ड इन एम एस एक्सेल यहाँ पर नंबर्ड नहीं होगा यहाँ पर नेम्ड होगा हाउ रोज आर नेम्ड इन एम एक्स देखिए एमएस एक्सेल के अंदर हम अपनी रोज को किस तरह से नेमिंग देते हैं मतलब क्या नेमिंग होती है उसकी टाइम इज अप टाइम इज अप चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा नुमेरिकली देखिए वन टू थ्री फोर करके क्या करते हैं कि हम अपनी रो को यहाँ पर डिनोट करते हैं ध्यान दीजिएगा रोज की बात की गई है यहाँ पर अगर कॉलम की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर अल्फाबेटिकल्स चलिए फिफ्टीन आपकी स्क्रीन पर टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका सिंपल ही क्वेश्चन है यहाँ पर पाईवोड टेबल चार्ट और हाइपर लिंक जो होते हैं हमारे वो किस टैप के अंदर होते हैं नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे आपका एम एस एक्सल से ये यह क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया गया है कि वेस्ट टैप इज़ यूज टू इंक्लूड पाइवोड टेबल चार्ट हाइपर लिंक अ स्प्रेड शीट बहुत ईजी क्वेश्चन है टाइम अप हो चुका है आपका और मैं आपको बता दूं कि आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा इंसर्ट टैब ध्यान दीजिएगा इंसर्ट टैब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सल टाइम स्टार्ट हो चुका है फटाफट से आंसर करिए कि आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या होगा ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी देखिए चार ऑप्शन हैं आपके पास क्या आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन अक्सल बहुत इजी क्वेश्चन है ये देखिए टाइम अप हो चुका है यहाँ पर और आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ आएगा वो आएगा सेल ध्यान दीजिएगा सेल एक सिंगल एलिमेंट होता है हमारी वर्कशीट पर चलिए सेवेंटीन आपकी स्क्रीन पर टाइम स्टार्ट हो चुका है विद टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विश विथ कंट्रोल की टू क्रिएट अ माइक्रो की इन एक्सेल देखिए माइक्रो अगर हमें बनाना है अपने एक्सेल में तो नॉर्मली हम कंट्रोल के साथ में किस की का यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है न्यूमेरिक होता है अल्फ़ा नुमेरिकल अल्फ़ाबैटिक या स्पेशल करेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं तो मैं आपको सिंपली बता दूँ कि जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबैटिकल का मीन्स अल्फ़ाबैटिक जो होते हैं हमारे ए टू जेड तक उनको हम कंट्रोल के साथ में क्या यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर क्वेश्चन नंबर टेन विस सिंबल इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट फॉर्मुला इन एमएक्स एक्सेल ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर आंसर्स क्वेश्चंस को अपने फटाफट से आंसर करिए कि आपका ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा देखिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग नहीं देख पा रहे हैं इस वीडियो को वो बाद में भी क्या कर सकते हैं कि हमें कॉमेंट कर सकते हैं वेरी गुड टाइम अप हो चुका है आपका यहाँ पर और जो आंसर आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका इक्वल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है इक्वल चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच फंक्शन इन एक्सेल टू यूज़ टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन रेंज टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका ध्यान दीजिएगा टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका यहाँ पर विच फंक्शन इन एक्सेल यूज़ टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू देखिए बिगेस्ट वैल्यू की बात अगर हम करें तो हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं आप सभी को कॉमेंट करना है बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी आपके लिए अगर आपने पढ़ाया बेसिक क्लियर हैं आपके तो देखिए टाइम आप हो चुका मैं आपको बता दूं कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आने वाला है मैक्स ध्यान दीजिएगा मैक्स मैक्स का यूज़ हम बिगेस्ट वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करने के लिए करते हैं ट्वेंटी आपकी स्क्रीन पर है ये सारे देखिए क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो मेरे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए वहाँ पर भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी आपको लिंक मिलेंगे वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप है हमारा फेसबुक पेज है आप सभी जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं एक्टिव रहते हैं वहाँ पर उन चीज़ों को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप ज्वाइन करिए आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी चलिए मैं बता दूं आपको करेक्ट आंसर तो यहाँ पर नौ आपका करेक्ट आंसर देखिए इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जब हमें क्या करना होता है कि रंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट कराना होता है तो नॉर्मली हमें क्या करना है कि नाव को यहाँ पर लिख देना है तो हमारी जो करंट डेट एंड टाइम है वो क्या हो जाएगा इंसर्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है आपका यहाँ पर चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एम एस एक्सएल बहुत इजी क्वेश्चंस नॉर्मल सा शॉर्टकट की पूछा गया है आपसे यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए डायलॉग बॉक्स के लिए यहाँ पर पूछा है फंक्शन की को पूछा गया है यहाँ पर टाइम अप हो चुका है और आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा एफ फाइव ध्यान दीजिएगा एफ फाइव आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पूछ रहा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन चलिए ध्यान दीजिए क्या होगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर सभी लोग ध्यान देंगे यहां पर कि हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा वेरी गुड चलिए मैं आपको बता दूं कि आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा आ, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो यहाँ पर एफ़ होगा देखिएगा एफ़ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि एफ़ क्या है हमारा एक तरह का आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो भी हमारा क्या है कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट फंक्शन है तो लोअर है वो भी हमारा क्या है कि आर्ग्यूमेंट देखिए यहाँ पर नो no की बात की गई है नो के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो नौ no आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर में जाएगा नौ बात करते हैं ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन की विच की इज यूज टू मेक मल्टीपल लाइन इन अ सिंगल लाइन फटाफट से आंसर करिए कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर टाइम आपका आप होने वाला है ट्वेंटी सेकंड्स का टाइम है आपके पास यहाँ पर ट्वेंटी सेकंड्स शॉर्टकट की आपसे ले नॉर्मली शॉर्टकट की पूछी गई आपसे कि यूज टू मेक मल्टीपल लाइन इन अ सिंगल लाइन सिंगल सेल देखिए टाइम अप हो चुका है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा डी नंबर एल्ट प्लस एंटर ध्यान दीजिएगा एल्ट प्लस एंटर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री स्क्रीन पर है फटाफट से देखिए विच कंटेन्स मैनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है बहुत इजी क्वेश्चन विच कंटेन्स मैनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका यहाँ पर फटाफट से आंसर करिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा देखिए टाइम आप हो चुका मैं आपको बता दूँ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हैंड आउट होगा देखिए हैंड आउट में क्या है कि जब भी हमें अपनी स्लाइड्स uh, का लेआउट यानी कि स्लाइड्स को देखना है मिनीचर फॉर्म में मिनीचर्स का मीन क्या है कि एक ही पेज पे हमें क्या करना है कि सारी स्लाइड्स को अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हैंड आउट टेम्पलेट का ध्यान दीजिएगा हैंड आउट टेम्पलेट का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विश टूल अलाउ यूज़र टू सेलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर टाइम यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है ट्वेंटी सेकेंड्स का टाइम है फटाफट से आंसर कर दीजिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा विश टूल अलाउ यूज़र टू सेलेक्ट डिफरेंट ले आउट फॉर स्लाइड देखिए टाइम अप हो चुका है आपका यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा अप्लाइड डिजाइन क्या होगा आपका यहाँ पर अप्लाई डिज़ाइन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स स्क्रीन पर टाइम स्टार्ट हो चुका है विश की इज़ यूज्ड टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच की इज़ यूज्ड टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर हमें स्टॉप करनी है तो यहाँ पर हम किस की को प्रेस करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा स्केप की देखिए स्केप की अगर हम प्रेस करते हैं तो जो भी हम अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगी कि हमारी स्टॉप हो जाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्क्रीन पर है टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है सभी यूज़ करते हैं कि अगर हम प्रेजेंटेशन पर वर्क कर रहे हैं उसी जगह अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन को क्या करना है ओपन करना है तो यहाँ पर हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करने वाले हैं देखिए ये क्वेश्चन ईजी इसलिए हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे जो भी भारत स्किल्स के क्वेश्चन थे एम सी क्यू सुपर एम सी क्यू की सीरीज़ थी उनमें तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो नॉर्मली आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं उन वीडियोस को टाइम अप हो चुका मैं आपको बता दूं कि आपका कंट्रोल प्लस एन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हाउ मैनी पेंस आर दीज इन द बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010 की बात की गई है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2010 फटाफट फट से आंसर करिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा देखिए डेंजर जोन में आ रहे हैं आप धीरे धीरे से सभी लोग आंसर करते जाइए देखिए वीडियो को जितना हो सके जितने ग्रुप्स आप एक्टिव हैं वहाँ पर शेयर करिए ताकि और लोगों की हेल्प हो सके मुझे पता है कि यहाँ पर सभी गूगल से या फिर और भी यूट्यूब चैनल हैं वहां से पढ़ते रहते हैं बहुत सारी वीडियोस हैं लेकिन क्या है कि हर वीडियो में आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं नया कुछ सीखने को ही मिलेगा इसलिए जितने भी ग्रुप्स हैं आपके आप उनमें शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को जो भी आप आई से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन अप कर सक किए हुए हैं उनमें आप इजीली इन्हें शेयर कर सकते हैं और मुझे यहाँ पर सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियोज़ यहाँ पर लेकर कर आऊँ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा थ्री देखिए थ्री पेंस होते हैं हमारे पेंस क्या होते हैं कि जब हम अपने क्या करते हैं कि हम जो भी हम अपना ओपन करके रखते हैं चाहे पावर पॉइंट की बात कर लें या एक्सेल की बात कर लें या फिर वर्ड की बात कर लें तो जब हम क्या करते हैं कि अपने फाइल के ऑप्शन में जाते हैं इन्फ़ो पर देखते हैं तो हमें क्या है कि थ्री पेंस दिखाई देते हैं फर्स्ट जहाँ पर हमारा न्यू ओपन सेव एस सेव सेव के ये सारे होते हैं वो फर्स्ट पेन होता है हमारा सेकेंडली जहाँ पर हमें अपनी फाइल शो होती हैं वहाँ पर वो हमारा सेकेंड पेंस होता है और थर्ड अगर हम बात करें तो जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी शो होती है मीन्स जिस भी फाइल को हम एक्टिव करते हैं जहाँ उसकी प्रॉपर्टी शो होती हैं वो आपका होता है थर्ड पेन तो अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करिएगा मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट शॉट यहाँ पर शेयर कर दूँगी कि जो पेंस हैं हमारे वो किस तरह से हमें यहाँ पर शो होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच मैन्यू इज़ यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द नेक्स्ट इन अ स्लाइड टाइम शुरू हो चुका है ट्वेंटी सेकेंड्स हैं आपके पास यहाँ पर फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी लोग कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप ए के साथ जाएंगे बी के साथ सी के साथ या फिर डी के साथ सभी लोग यहाँ पर आंसर कमेंट करेंगे कि यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर होगा देखिए टाइम अप हो चुका है और आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा एनिमेशन जैसे जब भी हम इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर एनिमेशन को यहाँ पर लगाना होता है एनिमेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या होता है कि वेरियस इफेक्ट्स अपने स्लाइड्स में या फिर टैक्स में अगर हमें लगाना है तो क्या होगा कि यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं लगा सकते हैं अपनी जो भी स्लाइड्स हैं उनको इफेक्टिव बना सकते हैं नॉर्मली अगर आप हाँ स्लाइड्स के बारे में या अपनी जो भी पावर पॉइंट की जो भी स्लाइड्स हैं उनको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो स्किल मास्टर आपका ये यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जो हमारे सचिन सर हैं वो बहुत सारी वीडियोस को डालते रहते हैं आप वहाँ से भी उन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं कि किस तरह से वो आपकी जो भी आ, हमारी स्लाइड्स हैं उनको इफ़ेक्टिव बनाते आपको तरीक़े बताते हैं बहुत सारे और जो हमारे सी के स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि विज़िट कर सकते हैं आपके पी के लाइसेंस वो कवर अप करवाते हैं तो आप उस चैनल पर एक बार विज़िट ज़रूर करें मेरा ओपिनियन है यहाँ पर आई चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर आप सीटीआई के हैं अगर आपको पावर पॉइंट्स या अपनी पी क्लास का अगर कुछ देखना है तो आप नॉर्मली क्या है कि स्किल मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप एक बार विजिट कर सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी जो है वो स्क्रीन पर है यहाँ पर नॉर्मली पूछा है कि विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ अ स्लाइड क्वेश्चन देखिए कितना इजी है यहाँ पर और ट्वेंटी सेकेंड का आपके पास टाइम है टाइम आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर तो आपको फटाफट से यहाँ पर क्या करना है कि आंसर देना है विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट ऑफ स्लाइड देखिए टाइम अप हो चुका है यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर आने वाला है नोट मास्टर देखिए क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई हिंट यहाँ पर अगर इंसर्ट करानी है तो हम नोट मास्टर का यहाँ पर यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विश शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पर न्यू स्लाइड के लिए पूछा गया है इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसमें आपसे न्यू प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा गया था कि अगर न्यू प्रेजेंटेशन हमें ओपन करनी तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं यहाँ पर स्लाइड के लिए आपसे पूछा गया है चलिए टाइम आपका अप हो चुका है मैं आपको बता दूं कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा कंट्रोल प्लस एम जी हाँ कंट्रोल प्लस एम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है चलिए थर्टी टू स्क्रीन पर है टाइम स्टार्ट हो चुका है आपसे बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है पावर पॉइंट का तो नॉर्मली यहाँ पर सभी लोगों को इसका आंसर पता होता है कि हमारा जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा देखिए एक्सटेंशन क्या होते हैं आपको सारी एम एस ऑफिस में जितने भी हम अप्लीकेशन को यूज़ करते हैं उसका आपको नॉर्मली पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें बहुत पूछते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ए नंबर डॉट पी पी टी एक्स यह आपका क्या है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यहाँ पर जो फाइल है उसको हम इसी एक्सटेंशन के साथ यहाँ पर सेव करते, करते हैं जैसे एस टी एम एल के लिए डॉट एस टी एम एल यूज़ करते हैं हम लोग और एक्सएल के लिए यूज़ करते हैं जैसे पी पी टी के लिए भी यूज़ करते हैं हम वर्ड के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या ये सारे एक्सटेंशन जो है वो आपको ईजी यहाँ पर पता होने चाहिए थर्टी थ्री आपका दिया है स्क्रीन पर टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि ओ एल ई का फुल फॉर्म क्या होता है एक्सेस में हमारा तो नॉर्मली आपका आंसर आपको पता होना चाहिए हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ओ एल ई हमारा क्या एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक्टिव कर सकते हैं तो टाइम अप हो चुका करेक्ट आंसर आपका है जो वो है डी नंबर यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग यही आपका क्या है फुल फॉर्म होता है इसका चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर स्क्रीन पर टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका विच व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस देखिए जब भी हमें क्या करना होता है कि अपने एक्सेस में टेबल स्ट्रक्चर को क्या करना होता है यहाँ पर मॉडिफाई करना होता है तो नॉर्मली हम किस व्यू का यहाँ पर यूज़ करते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन अगर आपने एक्सेस पर वर्क किया है तो आपको ईजी इसका आंसर मिल जाएगा देखिए टाइम अप हो चुका है आपका मैं आपको बता दूँ डिज़ाइन व्यू आपका जो है वो आपका करेक्ट आंसर है डिजाइन व्यू चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच की स्ट्रोक मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल बहुत इजी क्वेश्चन फटाफट से आंसर करिए कि आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा देखिए लेफ्ट के लिए बात की गई है एक्टिव सेल का क्या है कि की स्ट्रोक को अगर हमें मूव करवाना है तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा टाइम अप हो चुका है और करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ आए, पर आएगा वो क्या होगा आपका शिफ्ट प्लस टैब ध्यान दीजिएगा शिफ्ट प्लस टैब एक चीज़ और याद रखिएगा जितने भी कीज को हम यहाँ पर अप कर रहे हैं ये सारी की सारी आपको प्रैक्टिकली करनी है जिन भी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है वो इजीली यहाँ पर करके देखें इन सारी चीज़ों को कि रियल में क्या हमारी कीज वर्क कर रही हैं यहाँ पर कि नहीं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स चलिए स्टार्ट हो चुका है टाइम आपका विश कमांड क्विकली लोकेट द डेटा इज एक्सेस्टेबल फटाफट से आंसर दीजिए कि आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा थर्टी सी थर्टी सिक्स का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए करेक्ट आंसर यहां पर आपका आ जाएगा फाइंड फाइंड इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन थर्टी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इन एक्सेस देखिए एक्सेस में हमारा वैलिड फॉर्मेट टाइम क्या है यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिए ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा उसके बाद आंसर कमेंट्स करिएगा अपने लाइव चैट बॉक्स में जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी वीडियो को यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे अच्छा मिले मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करूँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर क्योंकि जो वैलिड फॉर्मेट है वो आपका यही सही है एच एस सेमी कॉलन एम एम सेमी कॉलम यहाँ पर सॉरी कॉलन बोलते हैं हम उसको एच एस कॉलन एम एम कॉलन एस एस और ए एम या फिर पी एम क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच टेक्निक प्रिवेंट इन वैलिड डेटा बींग सेफ्ड इन एक्सेस टेबल देखिए इनवैलिड डेटा बींग सेव्ड इन एक्सेस टेबल किस टेक्निक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि इन वैलिड डेटा को यहाँ पर सेव्ड होने से अपनी एक्सेस टेबल में सेव होने से क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं यानी कि बचाते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं वैलिडेशन रूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि इन डेटा को सेव होने से अपने एक्सेस टेबल में क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंट कर सकते हैं थर्टी नाइन क्वेश्चन विच ऑब्जेक्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा देखिए सारे क्वेश्चन आपको कवर अप करने हैं आप चाहें तो एक बार दो बार वीडियो को देख के भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नहीं आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को एक बार देखिए दो बार देखिए अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करिए चलिए टाइम अप हो चुका है मैं आपको बता दूं कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा टेबल विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा तो टेबल की अगर हम बात करें तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं अगर उससे रिलेटेड डेटा हमें अपने स्टोर करना है तो यहाँ पर हम टेबल का यूज़ करते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्टी नंबर और यहाँ पर आपकी टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है ट्वेंटी सेकेंड्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ पावर पॉइंट ध्यान दीजिएगा पावर पॉइंट के लिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए टाइम अप हो चुका है यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन ग्राफिक आपका करेक्ट आंसर है कि पावर पॉइंट हमारा किस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक है हमारा एक तरह का पावर पॉइंट हमारा कैसा सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन ग्राफिक आई होप आज की जितने भी वीडियोस में हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए हो आपके जो भी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके जो नेम है वो हमारे नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें अनाउंस किए जाएंगे तो आई होप आप में से ही कोई स्टूडेंट हो जो फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पर थर्ड हो तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको यूज़फुल लिखी हो तो कमेंट बॉक्स में यस yes लिख दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को सभी ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर शेयर करिएगा चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो के साथ सीखेंगे कुछ नया तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में